बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अंडा पराठा बनाना सिखाऊंगी। अंडा पराठा बनाने के लिए आपको पराठे चाहिए होंगे और पराठे बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। और इस तरह से आप पराठों के पेड़े बनाकर रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर दो पराठों के पेड़े लिए हैं और इसी हिसाब से इसका आमलेट बनाने के लिए अंडे चाहिए होंगे। 4 अदद प्याज बिल्कुल बारीक छोटी कटी हुई 2 टेबल स्पून, टमाटर बिल्कुल बारीक कटे हुए 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च छोटी 2 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक हसबे जरूरत और पिघला हुआ मक्खन हसबे जरूरत। आप चाहें तो पराठों को तेल या घी में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है, आप जिससे चाहें पराठों को तल सकते हैं। सबसे पहले आप अंडों में सुर्ख मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर इसे अच्छी तरह से फेंट कर रख लें। अंडों को फेंट कर आप एक साइड पर रख दें और दूसरी तरफ आप तवा गर्म कर लें और इस तरह से आप पराठे के पेड़े को बेल लें। पराठा बेलने के बाद आप इन्हें तल लें। ऊपर आप मक्खन या तेल डाल दें और इसको पलट दें। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर आप तल लें। पराठे की एक साइड पकने के बाद आप दूसरी तरफ फिर से मक्खन या तेल लगाएं और इसे फिर से पलट दें। और दूसरी साइड भी आप पका लें। जब पराठे की दूसरी साइड भी पक जाए तो आप ऊपर अंडा डाल दें। और इसे आप इस तरह से फैला लें। ऊपर कटी हुई प्याज, कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दें। और थोड़ा सा पकने के बाद आप इसे फिर से पलट दें। अंडा पराठा तैयार है। इसी तरह से आप दूसरा भी बना लें।
लीजिए अंडा पराठा तैयार है, इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है, हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अनहो से रवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे नामों में से अल्लाह के हाँ पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुलरहमान है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।